अस्सलामुअलैकुम। अगर आप सर्दियों में रोज़ाना बादाम खाएंगे तो आपका जिस्म सेहतमंद, तंदुरुस्त और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि बादाम में प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, जो हमारे जिस्म को गर्मी फराहम करते हैं, और इसे खाने से हमारी स्किन भी बहुत ही खूबसूरत, चमकदार हो जाती है। आइए जानते हैं, हर रोज़ बादाम खाने से हमें कौन कौन सी गज़ाई फ़वाद मिलते हैं और हम कौन कौन सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सेहतमंद रहने के लिए हमें रोज़ाना बादाम इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। बादाम के इस्तेमाल से खांसी, शुगर, खून की कमी और पथरी जैसे प्रॉब्लम्स भी दूर रह सकते हैं। जो लोग हफ्ते में कम से कम 5 दिन बादाम का इस्तेमाल करते हैं, इनमें हार्ट अटैक का ख़तरा बादाम ना खाने वालों के मुकाबले में 50% कम हो जाता है, क्योंकि बादाम में विटामिन भरपूर मकदार में होता है, जो एक एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और दिल से जुड़ी सभी तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत फराहम करता है। बादाम में पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जो खून की रवानी को बेहतर करता है और जिस्म के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन को ठीक तरह पहुँचाने में मदद करता है। बादाम में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों को मजबूती फराहम करता है और इसके इस्तेमाल से हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं। बादाम में फाइबर होने की वजह से ये खाने को हाजम करने में हमारी मदद करता है और उसके हाजमे को आसान बनाता है। बादाम खाने से नज़ला, ज़ुकाम का मसला भी बहुत ही कम रहता है। बादाम खाने वालों में कैंसर का मसला भी बहुत ही कम से कम हो जाता है और कैंसर सर के जरासीम को ये बढ़ने नहीं देता। अगर हम रोज़ाना 4 से 5 बादाम भिगो कर खा लें तो ये हमारी इन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा और इन ख़तरनाक बीमारियों से भी बचने में मदद देगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमारी बहुत हौसला अफज़ाई होती है। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।